तो फाइनली अभी है जो हमारा गेट लग चुका है और बहुत ज्यादा हैप्पी है काजल, है ना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू बोलो बेटा व्लॉग में। व्लॉग में हाँ बोलो बेटा। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक पूछ। अच्छा इतना मत बोलो, इतना नहीं बोला जाए, बोलो लाइक करें। लाइक करें। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अभी शाम नहीं हुआ है, मतलब 2 बज रहा है दिन का, और 2 बज रहा है और अभी मानसी के लिए कुछ लाए हम सरप्राइज, तो मानसी को देते हैं, देखते हैं रिएक्शन क्या आता है। ठीक है बेटा, ये लो निकालो। वाओ, ये आपको अच्छा लगा? पहनोगी? हाँ। तो ये दोस्तों छोटा सा पैंट लाए थे, ये लो। और वो निकालो। वाओ, ये अच्छा लगा? ठीक है रख लो। ओके पहन लेना। ठीक है तभी मानसी के लिए लाए थे, गर्मी का मौसम है ना, तो ये सब फ्रॉक वगैरह उतना नहीं चल पाता है, गर्मी होगा बेचारी को, तो इसलिए गंजी और छोटा सा। हाँ बेटा जाओ रख दो, लो। हाँ बेटा नहीं। आप खुश हो? दोस्तों अभी क्या है ना कि हमें तो आप लोग समझ जानते हैं कि हमें जाना है, अभी दिल्ली जाना है और शादी में भी जाना है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं ना यहाँ पे गेट लगाने के लिए, क्योंकि इधर से ओपन रहता है पूरा और ये ज़्यादा हाइट भी नहीं है, तो यहाँ पे अभी जा रहे हैं गेट वाले को बुला के लाने और देखते हैं गेट लग जाएगा सस्ता वाला कोई। लेकिन ये मिट्टी का है तो इसमें लगाएगा कैसे, ढालना पड़ेगा थोड़ा सा, माल है ये ढलवा देंगे थोड़ा सा, है ना। क्या बेटा? ओके तो चलिए गेट का पता करके आते हैं कितने में लगाएंगे, क्या है क्या नहीं, है ना, और बुला के भी लाएंगे, देखना पड़ेगा ना उनको, एरिया और ये नाप के ले जाते हैं बनाने के लिए। चलिए आते हैं लेकर। अभी मानसी के पापा 10 रुपये का पानी पूरी लाए हैं कि 20 रुपये का, वही मानसी खा रही है ना। ये तुम खाओगे? नहीं हम नहीं खाएंगे। और अभी नापवा रहे हैं, देखते हैं ऊपर का पतला हो गया, नीचे का बहुत चौड़ा हो गया। डंटा से पिटाई होगा क्या बेटा? दोस्त मानसी को इतना डांट सुना है बेचारी, देख बेटा इससे बोल दो दोस्तों से, बोल दो क्या हुआ? दोस्तों भी डांटेंगे, खाओ उंगली खा रहे थे दोस्तों, हर वक्त उंगली मुंह। बोल दो दोस्तों से, प्यार से मनाते समझाते थक गए कि दांत ये हो जाएगा जम से, चॉकलेट मत खाना ये। बेटा मम्मी ने डांटा है ना, आओ मम्मी को मारेंगे। ओके छोड़ो, हटो मारे मम्मी को। ले ले को बहुत हम बच्चों के डांट लो, पापा मारे हैं आपको। कौन मारा बेटा? मम्मी मारी। मम्मी को डांटो 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 डांटो, हम भी डांटेंगे, डांटो डांटो। डंडा लाकर अभी दोनों डंडा मारेंगे। हाँ डंडा से मारेगी मानसी आपको। जाओ जाओ मारो 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 मारो, बस 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 बेटा बस रहने दो, आजा आजा पापा पास। अब तो मारो। मैं भी मारूं किल को? अरे रे आ क्या बेटा, फिर से बोल दी मम्मी? अच्छा जान दो, कोई बात नहीं, हमारा भी मौका आएगा बेटा, हम दोनों अभी मजबूर हैं, हम दोनों का भी मौका आएगा ना। अभी मानसी ने गलती किया है तो मानसी को डांट मिला है, कभी मम्मी ने, मम्मी भी गलती करेगी बेटा। ओके तो हम दोनों मिलकर डांटेंगे। ओके बोलो। हाँ बोल दो, मम्मी को नहीं डांटेंगे। हाँ डांटोगे? क्या बेटा? चिल्ला। अच्छा ललन का चिल्ला गया? मैं चिल्ला रही मम्मी। अच्छा मम्मी चिल्ला रही। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, और ये है नेक्स्ट डे दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। दोस्तों अभी सुबह का टाइम हो रहा है और देख सकते हैं अभी बन रहा है, बज रहा है अभी दोस्तों। हाँ क्या बनाते हैं? केक है। केक मानसी आज भी मेरे को जगाई है, उसने टाइम से उठो पापा सुबह हो गई, उठो पापा सुबह हो गई, और मम्मी से बोल रही थी पापा नहीं उठ रहा है। और दोस्तों कल हम बात किए थे दरवाजे वाले को, बात क्या किए थे, बाइना वाइना दे दिए थे, तो आज आएंगे दरवाजा लगाने यहाँ पे, तो इसलिए भी और खुश है, है ना। अब चारों तरफ से सेफ हो जाएंगे हम लोग, है ना बेटा? हाँ बेटा
क्या ढूंढ रही हो? अब छुप रही। तो ये अरबी के पत्ते में ऐसे कुछ बेसन लगा लगा के क्या बना रही? कौन बनाते रहो? अब कह तो लो कौन सी बनाते हैं? दूसरे कुछ मानसी करे केक बना रही है बेटा। क्या नाम है आपका? नहीं ललन नहीं, मानसी नाम है। और आपका ये पैंट और गंजी कौन लाया था? तुम नहीं, आप बोलो। आप लाए हो, ठीक है। और बेटा आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करती हो? मम्मी। नहीं 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 नहीं, सबसे ज्यादा प्यार किससे करती हो? पापा। यस डन, थैंक यू। चाटी मिलो, हाथ मिलो। ये मम्मी गलती से बोलती ना काजल। अभी काजल ने बनाया है पापड़, तो अभी खा रहे हैं। अच्छा है। और ये है रिक्वेस्ट। और ये कल का सुबह का आटा था जब हमने पूरी बनाया था, तो उसी को फिर पूरी पापे ये लेके जाएंगे। पापड़ आए हैं गेट बनवाने के लिए, और गेट ये बन रहा है, देख सकते हैं। ये वाला चादर लगा वो बना है उसका, वो क्या कहते हैं चौकट। चलिए बन जाने देते हैं, फिर लेके चलते हैं, जल्दी से लगवा लेंगे। गेट बन चुका है देख सकते हैं, काफी प्यारा। चलिए लेके चलते हैं, लगवाते हैं जल्दी से। तो अभी गेट आ गया, चलिए लगवाते हैं। यहाँ पे हटाओ कपड़ा, हटाओ। क्या क्या ऐसे खुलेगी? हाँ खुलेगी, तभी अंधेरा हो गया। अब इसमें लॉक कर देंगे। ईटा ईटा चाहिए? तो ये दोस्तों अभी चौकट जैसा कुछ लग रहा है। आओ काजल कपड़ा रहेगा, मैं रहने देता नहीं। ये अपना डील था, ये यूज में आ जाएगा दोबारा भी, है ना। क्या कर रही हो बेटा? क्या कर रही हो? आँख में पड़ गया? जाओ उधर जाओ, इधर लाइट है, देखो बोर्ड है, उधर जाओ खेलो। ओके तो दोस्तों अभी ना पूरा इधर से खुला है, और हमें दिल्ली भी जाना है, इसलिए दरवाजा लगवा दे रहे हैं। एकदम जल्दी जल्दी छेद हो जा रहा है, मिट्टी है ना सारा दीवार। देख हम टेढ़ा ना कुन तो दीवार भागत रहे, ड्रिल होता तो पूरा देवलिए ही जाता दी। तो ये लग चुका है, एक्चुअली मिट्टी का दीवार है ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, लेकिन हो गया, बहुत टाइट हुआ। और ये देख सकते मतलब सीधा नहीं आ पा रहा ना। वाह, बैठ के आराम से, मतलब कि काफी सेफ हो गया इससे। तो फाइनली अभी है जो हमारा गेट लग चुका है, और बहुत ज्यादा हैप्पी है काजल, है ना। लगाओ लगाओ लगाओ, ये देख सकते हैं ऐसे लगा के, और इसमें ताला भी मार सकते हैं, है ना। और काफी ये नहाने धोने के लिए भी काफी अच्छा हो गया। नहाने के टाइम ये वाला दरवाजा बंद करना पड़ता था पहले, लेकिन अब क्या है कि ये वाला दरवाजा बंद कर लो ना। बहुत उल्टा बनवा दिए, कॉल को उधर रखना चाहिए ना, तो इधर केवल दरवाजा कभी देख सकते हैं। काफी प्यारा लग रहा है वैसे, बहुत अच्छा बढ़िया हो गया ना, टाइट काफी मजबूत भी हो गया, ईंट में जो ड्रिल मार मार के हुआ है ना। हाँ ये देखिए ऐसे लगा दो, ये लग गया। बाहर से लगाना हो तो आराम से बाहर से लगा के नहा धोवा सकते हैं, है ना। तो काफ़ी प्यारा हो गया। मज़ा आ गया। और ये दोस्तों हमें पड़ा था कितना, 2500 रुपये में, 2500 रुपये लगा था इसको लगाने में। आओ बाबा मस्त है ना, एक काम से तो उग्रे हो गए दोस्तों। हाँ दिल्ली जाएंगे तो सेफ एकदम, उसको सीमेंट वाले से बंद कर देंगे जहाँ कूलर रहता है, फैसिलिटी वाला। बहुत ही प्यारा लग रहा है, हम खड़े होकर वहीं पे बनवाए थे, इसलिए काफी टाइम लग गया, फिर भी नहीं तो और भी ज्यादा लेट लगा देते हैं ये लोग, है ना। और दो दो सीट लगता है इसमें, हम बोले एक लगाओ तो कह रहे नहीं एक में लपेगा, दो लगता है, हमें पता नहीं था ना। एक कैसे के बीच में रहना है तो ट्राई। अब बढ़िया हो गया ना, इसको भी बंद कर देंगे, तो इधर से भी बंद कर देंगे, आराम से सो जाएंगे, काफी सेफ लग रहा है ना, है ना। ये नहीं था तो एक रात में डरे जैसा लग रहा था, आप सोच के लग रहा है, पहले नहीं।
हम सोचते हैं पहले जुगी में थे एकदम अकेले खंडर में, तो अब सोच के कितना डर लगता है, पहले रहते थे तो अकेले कहाँ रहते। मैं रात को 12 बजे रात तक आता था काम उम करके, कहीं ओवर टाइम ड्यूटी। अब काजल बेचारे डिलीवरी भी था उस समय भी काजल, हाँ फिर भी काजल अकेली रहती थी, सोचो कोई नहीं था वहाँ उस बिल्डिंग में, कोई नहीं था और ना ही कोई है ना, 20-20 मंजिल एकदम ऐसे ही, हमको इतना डर लगता था, हम सीआईडी देखते थे तो बाप रे इसी जगह पर होता था खत्म। और कोई नहीं रहता था, बताओ काजल के पास फोन भी नहीं रहता था क्योंकि हमारे पास डबल फोन था ही नहीं, एक ही फोन था जो मैं लेके चला जाता था, काजल के पास फोन भी नहीं रहता था। बेचारी डिलीवरी के समय में वो भी अकेले खंडहर जैसा, लाइट वाइट कुछ नहीं रहता, और लाइट भी नहीं रहता था, दिन में लाइट रहता था, जनरेटर चलता था, तो रात में कुछ नहीं रहता था, फिर भी अंधेरे में बैठी रहती थी। मैं आता था तो चूल्हे पे खाना बनाते थे, आता था तो फिर खाना देते थे, खाते थे। अगर उस टाइम हम लोग यूट्यूब के बारे में नहीं पता था, हम उस टाइम ही बहुत ज्यादा सोच सोच के डर भी लगता है। आप लोग को दिखाएंगे वो वाला घर, क्योंकि उधर हम लोग का काम है, 5,000 रुपया और भोजन थे तो 4,000 बचा है तो निकालने जाएंगे। हाँ तो आप लोग को देखने को मिलेगा हम लोग कहाँ पे, जब मानसी पेट में थे ना तो कहाँ पे रहते थे हम लोग, कितना डेंजरस जगह था वो, हम चल के पूरे दिखाएंगे वहाँ पे, तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए। कुछ सामान भी होगा जो पलाई वलाई सोने के लिए लगाए थे, शायद होना चाहिए ना, तो काम हम करने वाले आएंगे होंगे, दूसरा जो रहने के लिए तो शायद नहीं हो। चलेंगे तो दिखाएंगे, बहुत एक्साइटमेंट है हमें भी कि जाएंगे तो वाला घर देखेंगे, आप लोग को भी दिखाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। खुद से दरवाजा और वरवाजा उसमें लगाए थे, खुद से ही, और खुद से प्लाई बोर्ड भी रखे थे, सब कुछ खुद से ही किए थे, उसमें टीन काट काट के खिड़की जैसा होता है ना, उसमें भी टीन काट के लगाए थे, खिड़की को बंद किया क्योंकि बड़ा बड़ा होता है ना, उसमें सिलसिला करने वाला, तो उसको बंद किया। बहुत ही मतलब सोच के अजीब लगता है डर कि यार कोई डिलीवरी लेके भी अकेली 12 बजे रात तक एक बिल्डिंग में अकेले कैसे रह सकती है ना। खाली गार्ड रहते थे तो बाप रे, बिल्डिंग तो इतना बड़ा बड़ा होता था, एक उस दर एक उधर, इतना दूर दूर रहते थे, एक एक मतलब दोनों गेट पे, आगे पीछे वाला गेट पे, बीच में हम रहते, तो वो भी आते थे टाइम से, कहाँ आते थे गार्ड लोग भी। एक बार हम गए थे ना ड्यूटी पे, तो वहाँ पे काजल रात को करीब 9-10 बजे फोन की थी, काजल किसी को फोन लेके रास्ते में, गार्ड साहब का फोन था, हाँ गार्ड साहब के फोन से की थी, और उस टाइम हम इतना बुरी तरह से हम भी फंसे थे, जहाँ गए थे गाड़ी ही नहीं मिल रहा था आने के लिए, पैसा उस दिन ज्यादा कमाए थे, हाँ ठेका लेके गए थे दोस्त, ठेका में अच्छा लाइट का मिल जाता है ना, 4,000-5,000 देते हैं एक बार में, हाँ मतलब कि एक पूरा घर होता है वायरिंग करने के लिए या फिर सब कुछ लाइट फिटिंग करने के लिए, तो उसमें पैसे ज्यादा मिल जाता है, और हमारा जब ठेका ले लेंगे तो उसको तो कैसे में कैसे करके 1-2 घंटे में निपटाना ही होता है। दो आदमी थे हम और जितेन, तो दोनों लोग आए थे काम करके, तो काफी अच्छा उस टाइम का भी सुकून काफी अच्छा ही था, अभी तो भाग दौड़ हो रहा है दोस्तों, क्योंकि खुद से घर बनवाना इतना भी आसान नहीं है, हाँ अभी संघर्ष मौसम, संघर्ष का दिन है, तो भाग दौड़ हो रहा है, लेकिन उस टाइम बहुत ज्यादा शांति भी था वहाँ पे, खाली मतलब खाते थे कमाते थे बस, तो शांति था, तो वो दिन भी याद आते हैं दोस्तों, और हम अपनी पास्ट को कभी जिंदगी में अंतिम सांस तक भी नहीं भूलेंगे, कोई भूलेगा नहीं, बताइएगा ये हमारा दरवाजा कैसा, हाँ बहुत खुश है। तो अब अंदर से क्या करेंगे, लॉक करके यहाँ ताला मार देंगे, फिर उसमें भी ताला मार देंगे। तो दोस्तों फाइनली आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा गेट कैसा लगा, एंड ये प्यारा सा हमारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, ये तो यूज में आ ही जाएगा बाद में, फिर खोल के लगा लेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ एक प्यारा सा ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, एंड चलिए तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।